छोले तो खाए ही होंगे और साथ ही साथ एंजॉय किया होगा। लेकिन आज हम बनाने जा रहे हैं अपने देसी स्टाइल में, कम बजट में, छोले की सब्जी। क्योंकि जब एक आम लड़की घर से दूर होती है, शहर से दूर होती है, स्टेट से दूर होती है, और एक आम इंसान इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कम पैसे में बढ़िया कैसे खाएं, ये आज हम देखेंगे इस व्लॉग में। तो आज हम बनाएंगे अपने आप को खुश करने के लिए छोले। छोले ले लिए थे, कुछ 250 ग्राम छोले थे, तो मैंने थोड़ा एक जन के लिए छोला लिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये क्या है, ये मेरा स्टाइल है बनाने का। इसमें मैं डालती हूँ चाय पत्ती, नमक और 2 सीटी, और ये बन जाता है ऐसा। अब छोले हो गए हैं बॉयल, अब हम तैयारी करेंगे इसकी ग्रेवी बनाने। प्रेशर हो चुकी है, अब बात करते हैं हम लोग कि जब बहुत मन करता है ना कि कुछ खाएं, कुछ यू नो अच्छा खाएं, जब आपकी तबीयत थोड़ी सी सही होती है, बेटर फील होता है। तो आज है सैटरडे, और आम इंसान की ज़िंदगी में सैटरडे कितना मैटर करता है वो हर एम्प्लॉय जानता है जो काम करता है। तो मेरा भी आज ऑफ है, सो मैंने सोचा खुद को ही ट्रीट दे देती हूँ। ना कोई दोस्त है, ना कोई फैमिली मेम्बर है, ना कोई और है, इस अनजान से स्टेट में, अनजान से शहर में, अनजान से जो कि अब थोड़े दिन के लिए अपना घर है, तो खुद के लिए कुछ कर लिया जाए। तो मैंने सोचा आप लोगों को स्ट्रगल दिखाती हूँ। सबसे पहले जो स्ट्रगल होती है वो होती है आपके पास सामान कम है, मशीन्स कम है, लेकिन खाना आपको अच्छा चाहिए। तो हमारे पास भाई कोई मिक्सी विक्सी नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये कटर है जिसमें हम प्याज टमाटर कट करेंगे, और मसाला हमने प्रिपेयर करके रख लिया है, ये है मसाला, और छोला हमने ऑलरेडी कर लिया है, अब सिर्फ बनाने की बारी है, और कोई सामान नहीं है। तो मसाले में एज नॉर्मल सारे मसाले, गरम मसाला, हरी धनिया पाउडर और लाल मिर्च, तो ऑफकोर्स ही बात है यार, और फिर आपका छोला मसाला, तो ये सारी डाल के चीज़ें हम बनाएंगे। और एक बात और, आटा भी गूंदना है क्योंकि रोटी भी बनानी है। कौन कहता है यार कि इतने स्ट्रगल्स नहीं होते हैं, सीधा एक तो जॉब, ऊपर से काम। प्लीज़ ना ये पैगाम ना मेरी माँ तक पहुँचाना, सब लोग शेयर टू माई मदर कि आपकी बेटी बड़ी हो गई है, और प्लीज़ ये पैगाम मेरी मदर तक पहुँचाना, और उनसे कहना कि प्लीज़ एक बार उनसे मिलने ज़रूर आए, मतलब मुझसे मिलने ज़रूर आए। ऑयल हमने ऑलरेडी गर्म कर दिया था, गर्म करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ रहेगी वो है प्याज। एक चीज़ है बस, ये है कि काम चलाओ हो जाता है, वो फाइन नहीं रहेगी, लेकिन काम चलाओ हो जाएगा। तो ऑयल ऑलरेडी गर्म होता है, तो ये देखें ना कि गर्म है कि नहीं, क्योंकि जब आप मस्टर्ड ऑयल में बनाते हो ना, और अगर ऑयल गरम नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो अभी ये हो रहा है प्याज, ये प्याज हो रहा है, थोड़ा और गुलाबी हो जाए फिर ये जाएगा। घर से दूर होना यही डिसएडवांटेज है। और दूसरी चीज है भाई, हमारे पास अदरक लहसुन और मिक्स ही नहीं है, तो हम इसका काम चला रहे हैं, इसे कहते हैं जुगाड़ू। प्लीज इसे एक ही चम्मच डालना, और चम्मच से डालना है क्योंकि मुझे अंदाजा है मैं ऑलरेडी बहुत सालों से यूज कर रही हूँ। जब आप डालो तो उसको एक दो मिनट के लिए होने देना, एक मिनट के लिए पकाना पड़ता है। Waste another day,
Eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right. We're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. तो जब तक अभी मसाला भुनेगा अपन लोग, हाँ, so this is a life of a common girl, of a common man, हर वो इंसान की ये कहानी है जो अपने घर से दूर बैठा है. जब आपको ऑफिस का भी काम करना पड़ता है, जब आपको घर का भी काम करना पड़ता है, और या आप हॉस्टल लाइफ में हैं, या आप पीजी लाइफ में हैं, या आप पढ़ाई कर रहे हैं, तब भी. तो ये जो सिचुएशन आती है, ये बहुत ही वियर्ड सिचुएशन है, बट क्या कर सकते हैं, यही दस्तूर है. बस इतना ही कहूँगी कि छोला बन जाएगा, चावल बन जाएगा. रोटी बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है जब आपके पास गैस नहीं होती है, क्योंकि आग में ना अच्छे से फुल्की बनती है. अगर ये कॉमन मैन की थोड़ी सी स्ट्रगल आपको अपनी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो कर देना यार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर. बचता सिर्फ सैटरडे की शाम है और संडे, क्या करेगा यार एक आम इंसान इस दिन में. तो अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ मेरी कहानी. तो अभी छोले बना के फिर मेरे को जाना है सामान लेने, सबसे बड़ी बात हो गया है. अब हमें क्या करना है, अपना छोला डाल के मसाले में इसको भुनेंगे. गिरा तो नहीं, हमने चला दिया अपना छोला, अब इसको हम भूनेंगे. चलो लग जाओ. तो जब भी आप छोले को भूनो ना, तो याद रखना यार कि धीमी आंच पे ही करना, ठीक है? क्योंकि आप कुछ बनाओ तो उसे याद रखना कि टाइम देना है, तो जल्दी जल्दी में सारी चीजें मत बनाओ, तो टाइम देके बनाओ. छोला है, प्यार से खाएंगे, प्यार से बनाया है तो प्यार से खाएंगे. अपने छोले का ना कलर आ गया है, और अब डालेंगे हम ये वाला पानी इसमें जो बॉईल किया था. अब आप सोचोगे ये पानी क्यों डालेंगे, क्योंकि यही तो असली स्वाद देगा भाई छोले को. तो ये पानी इसमें जाएगा, पूरा नहीं जाएगा भाई. नहीं डालना है, उतना डालना है जितना आपको पसंद है, जितना आपको पानी पसंद है. और छोला प्रिपेयर. यार देखने में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में खाऊंगी तब बताऊंगी.